हेलो फ्रेंड्स, सीएमसीएटी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन और मैं आज फिर एक बार आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2003 में उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, जिसमें हम जानेंगे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रिंटिंग करना जानना होता है। तो प्रिंटिंग क्या होते हैं, तो जब भी आप किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी आपको नोटिस हो, कोई भी आपको बायोडाटा हो या कोई भी आपको जो डॉक्यूमेंट के रूप में कोई भी चीज़ आप लिखे हैं, उसको हैंड प्रिंट हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रिंट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होता है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब भी आप जो कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको जो स्क्रीन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो है आपको आइकन्स है, इसमें बहुत तरह का आइकन्स हैं, और ये जो है आपको डेस्कटॉप है, और ये जो है आपको यहाँ पे टास्क बार है। ठीक है, इस तरह का आइकन सब है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी क्लिक पॉइंटर रखेंगे, इसे पॉइंटर कहा जाता है, आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल पॉइंटर है, इसका नाम है पॉइंटर। यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो वो एप्लीकेशन ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 है, यहाँ पे 3 ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो है आपको एप्लीकेशन विंडो है। विंडो दो तरह के होते हैं, तो एक होते हैं एप्लीकेशन विंडो और दूसरे होते हैं आपको डॉक्यूमेंट विंडो। तो ये एप्लीकेशन विंडो है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, जो आपको टाइटल बार में है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमाइज रजिस्टर क्लोज है। यहाँ से हमें क्या करना होगा, तो सिर्फ हम एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लीजिए यहाँ पे फाइल में ओपन में जाना होगा, हमें एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। यहाँ पे सिर्फ दो फाइल है, यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपको डॉक्यूमेंट ओपन होगा, बिल्कुल इस तरह का देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो फाइल में जाकर के यहाँ पे ओपन में जाना है, और ओपन में जाकर के आप क्या कीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए राम है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 करेंगे तो इस तरह का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट ओपन किया है, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, दूसरा ये डॉक्यूमेंट है, इसको भी क्लोज कर दे रहे हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आप ओपन रहा। इसे प्रिंट कैसे हम करते हैं, तो फाइल में जाकर के हमें प्रिंट करने से पहले, जब भी आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने से पहले हमें प्रीव्यू में देखना होगा कि वास्तव में हमारा डॉक्यूमेंट का प्रिंट क्वालिटी किस तरह आएगा। अगर आप प्रीव्यू इससे नहीं देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सेटअप अच्छा नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट सेटअप क्या होते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को मार्जिन सेटिंग करना, पेपर साइज सेटिंग करना और ओरिएंटेशन सेटिंग करना को मार्जिन कहते हैं, जो ऑलरेडी आपको ट्यूटोरियल में दिखा चुका हूँ। तो इसमें सिर्फ हम प्रिंट दिखाते हैं। ठीक है, तो यह है, आपको यहाँ से फाइल में जाना है, प्रिंट प्रीव्यू जब सही है तो यहाँ पे हम प्रिंट में क्लिक करेंगे। जब भी प्रिंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको ये जो है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे प्रिंटर का नाम है, ठीक है, प्रिंटर नेम है, यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉलेशन किया है। अगर इंस्टॉलेशन नहीं किया हो तो हमें क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। ठीक है, क्या प्रिंट करना होगा, आपको प्रिंटर नेम प्रिंट करना होगा। तो किस तरह करेंगे वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमें कैनन का है, ठीक है, इप्सन का है, ब्रदर का है, मान लीजिए सैमसंग का प्रिंटर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सैमसंग का भी है। ठीक है, तो एक हम अलग प्रिंटर हम इंस्टॉलेशन करते हैं, किस तरह करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे जो कैटेगोरी है, कैटेगोरी में लार्ज आइकन में क्लिक कर देंगे और प्रिंटर और डिवाइस एंड प्रिंटर यहाँ पे होगा। यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर में क्लिक कीजिए। जब भी क्लिक करेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर में तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सिस्टम थोड़ा स्लो है, समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये सारे आपको प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर यहाँ पे प्रिंटर नहीं हो, यहाँ पे प्रिंटर मौजूद नहीं है, या फिर हमें न्यू प्रिंटर इंस्टॉलेशन करना है, तो ऐड ए प्रिंटर है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आप कौन सा प्रिंटर चूज करना चाहते हैं, ऐड अ लोकल प्रिंटर, यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको बहुत सारे प्रिंटर सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एचपी का प्रिंटर शायद नहीं था, एचपी का कौन सा ले रहे हैं,
एचपी 950 ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रिंटर शो कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉलिंग प्रिंटर शो कर रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है कहाँ पे, सिस्टम से एप्लीकेशन प्रोग्राम में, कहाँ पे हो रहा है, सिस्टम से एप्लीकेशन प्रोग्राम में। तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्लोज करना है, और जब भी हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे फाइल में जा कर के प्रिंट में जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एचपी ऑलरेडी यहाँ पे 950 यहाँ पे मौजूद हो चुका है, ठीक है। तो यह है आपको प्रिंटर इस तरह इंस्टॉलेशन किया जाता है, अगर उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको प्रिंटर यहाँ पर ना हो, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हमें प्रिंटर चूज करना होता है, एचपी प्रिंटर चूज कर लेते हैं, या फिर जो भी हमें कंप्यूटर में सिस्टम में कनेक्शन है, यानी सैमसंग है, ये भी प्रिंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल, ऑल क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको जित पूरे सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो उसमें क्या करेंगे, ऑल में क्लिक करके हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक करना होगा, अगर कॉलर करना चाहते हैं तो कॉलर प्रिंट करना होगा। तो कॉलर प्रिंटिंग के लिए आपको कॉलर प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर लेआउट है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, उसके बाद एडवांस में जाना होगा। एडवांस में यहाँ से पेपर आप चूज कर सकते हैं, A4 पेपर चाहिए कि A5 चाहिए कि A6 चाहिए कि A3 चाहिए, जो भी पेपर चाहिए ओके कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ओके कर दीजिए, और यहाँ पे आपको करेंट पे ऑल में क्लिक करने के बाद में जितने सारे डॉक्यूमेंट होगा सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक पेज है, इसे हम क्या करते हैं, एडिट में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी 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 करते हैं, ठीक है। कितना पेज हुआ, यहाँ पे 6 पेज हो चुका है। अगर हम यहाँ पे, किस लिए 6 पेज बनाया गया है, आपको पहला ऑप्शन आपको दिखाने के लिए, देखिए 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, पहले पेज ऊपर में फाइल में जा करके आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद ऑल में करेंगे तो 6 पेज प्रिंट होगा। कितने कितने कॉपी, एक कॉपी या दो कॉपी, यहाँ पर आपको 23 कॉपी करेंगे तो 23 कॉपी सब पेज प्रिंट होगा, ठीक है, इसीलिए एक कॉपी प्रिंट कर कीजिए। करेंट पेज क्या होते हैं, देखिए अगर आपको पेज नंबर, मान लीजिए पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 को प्रिंट करना है तो कर्सर को यहाँ पे मौजूद करना होगा, उसके बाद में फाइल में जाके यहाँ पे प्रिंट करना होगा, उसके बाद में करेंट पेज में क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको वो पेज प्रिंट होगा जिस पेज में आपको कर्सर मौजूद है, ठीक है। ये कौन सा पेज है, देखें यहाँ पे 4 नंबर का पेज में कर्सर मौजूद है, 4 नंबर का पेज यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कर्सर अगर इस पे रखते हैं तो ये आपको 5 पेज है, मतलब 4 पेज पहले था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर फाइल में जा करके यहाँ पे हम, अगर हम क्या करते हैं, प्रिंट में जाते हैं, प्रिंट में जाने के बाद अगर हम पेज में, अगर मान लीजिए हमें 2 पेज चाहिए, 4 पेज चाहिए, 6 पेज चाहिए, तो जितने सारे पेज है 1 to 6 में सिर्फ 2 और 4 और 6 पेज प्रिंट होगा, बाकी पेज प्रिंटिंग नहीं होगा, ठीक है। यह आपको किस ऑप्शन का, फाइल में जाके प्रिंट में जाएंगे तो जो पेज हमें प्रिंट करना हो, मान लीजिए 1 2 3, उसके बाद क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो क्या होगा, आपको पेज 1 से लेके 3 पेज तक प्रिंट होगा और 4 पेज प्रिंट होगा, मतलब 4 पेज जमा प्रिंट होगा, ठीक है। ये रहा आपका पेज का, इसका ऑप्शन का फंक्शन, समझ गए, फॉलो करें बात को। ऑल का मतलब हुआ आपको जितने सारे पेज है सब प्रिंट होगा, करेंट पेज का मतलब है वो पेज जो आपको सिलेक्शन है जहाँ पे कर्सर मौजूद है, पेज का मतलब होता है आपको जो जो पेज चाहिए वो पेज आप टाइप कर दीजिए, आपको वो पेज प्रिंट होगा, ठीक है। बाकी रहा क्या, बाकी रहा आपको सिलेक्शन, तो चलिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट में जाके यहाँ पे जो सिलेक्शन है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ है, तो ऑन कैसे, किस तरह हम कर सकते हैं, तो ऑन करने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये जो है, मान लीजिए सबसे पहले हम पेज 1 में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे भी ऊपर जाते हैं, 1 पेज में जाते हैं, ये क्या है, दावते इस्लामी नेपाल धनुषा, ठीक है, सिर्फ हमें इतना प्रिंट करना है। तो जितना कंटेंट्स आपको प्रिंट करना है उतना आपको सिलेक्शन कर लेना होगा, कर लेना होता है, उसके बाद फाइल में जाएं और प्रिंट में जाएं। जब भी प्रिंट में जाएंगे तो जो ऑप्शन आपको था डिजेबल था, शो नहीं कर रहा था, यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन में क्लिक कर दीजिए,
कितना पेपर चाहिए कर दीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जा करके आपको पोर्ट्रेट करना हो या लैंडस्केप करना हो। पोर्ट्रेट लैंडस्केप तो जानते ही हैं, जो आपको मार्जिन के लिए सेट किया जाता है। यहाँ पर आपको लैंडस्केप होता है तो वाइट फॉर्मेट में प्रिंट होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, पोर्ट्रेट करेंगे तो लेंथ फॉर्मेट में प्रिंट होगा। पेपर क्वालिटी में ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ, यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे A4 पेपर लेंगे और ओके करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद क्या होता है, आपको ये जो सिलेक्टेड कॉन्टेंट्स है वो कॉन्टेंट सिर्फ प्रिंट होगा, बाकी कॉन्टेंट प्रिंट नहीं होगा। तो ये प्रिंट ऑप्शन का ये है काम, जिसमें आपने जाना कि किस तरह हम जितने सारे डॉक्यूमेंट का पेज है वो प्रिंट कर सकते हैं, कॉलेंट पेज अगर चाहें तो किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, और जो जो आपको इंडिविजुअल पेज हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, और सिलेक्शन का काम क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने लेटेस्ट वीडियोज़ हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप सबको ये 1 जनवरी का सबको आपको ये देख के बधाई है, और जो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि ये जो वीडियो मैंने आपको बहुत दिन के बाद 25 डेज के बाद मैंने रखा हूँ, इसके लिए हमारा थोड़ा कुछ आपको फिजिकल प्रॉब्लम के साथ नहीं रख पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आपको रेगुलर वीडियो आपको यहाँ पर जो है इस चैनल में आप देख सकते हैं,